पाठक। भोपाल की बात करेंगे, आज सीएम का उद्योगपतियों से इंटरैक्टिव सेशन होगा, निवेश के लिए उद्योगपतियों से बात करेंगे सीएम, और जीआईसी 2025 को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। बता दें कि जीआईएस 2025 को लेकर ये चर्चा बेहद अहम है, प्रमुख उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे, निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जीआईसी 2025 को लेकर उद्योगपतियों के साथ की चर्चा कई मायनों में खास है, और साथ ही जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और साथ ही उनसे अनुभव साझा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर जो है कितने ज्यादा फायदेमंद है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज की जो उद्योगपतियों के साथ की चर्चा है वो कितनी अहम होगी मध्य प्रदेश के विकास के लिए? देखिए 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना और उसकी तैयारियां जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अभी से शुरू कर दी, और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई दौरे पर हैं, और आज वह मुंबई में तकरीबन 10 बजे के आसपास तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे आज मुलाकात करने वाले, एक बैठक जो है उनकी उद्योगपतियों के साथ होने वाली है, और आने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उनको आमंत्रण दिया जाएगा कि आप मध्य प्रदेश में आइए और निवेश कीजिए, और इसके साथ ही वह एक प्रेजेंटेशन भी उन उद्योगपतियों के साथ साझा करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर आप लोग क्यों निवेश करें, क्यों उद्योग यहां पर लगाएं। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत का हृदय स्थल है, हर इलाके से यहां की कनेक्टिविटी है, चाहे आप मुंबई की लगा लीजिए, दिल्ली हो या फिर दूसरे बड़े जो राज्य हैं, तो वहां से सबकी कनेक्टिविटी बनती है, अगर बिजली की बात हो, पानी की बात हो, परिवहन को लेकर बात हो, तमाम जो सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश में लगातार डेवलप की जा रही है ताकि जो उद्योगपति हैं बड़ी संख्या में यहां निवेश करें। हालांकि छोटी छोटी इन्वेस्टर समिट लगातार मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार करती रहती है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में न केवल भारत के बल्कि वैश्विक स्तर के जो उद्योगपति हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक लोग जो है वो निवेश करें, अपने उद्योग धंधे लगाएं, और जब उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में लगेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी अधिक से अधिक मिलेगा। तो आज की यह बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, कई तमाम जो बड़े उद्योग औद्योगिक घराने हैं उनके प्रमुखों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिलने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर आप निवेश क्यों करें। हालांकि इस इन्वेस्टर समिट को होने में लगभग 6 से 8 महीने का समय है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए अब आज जैसे वो मुंबई के दौरे पर, आने वाले समय में बड़े बड़े जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी वो पहुंचेंगे, और उस इलाके में जो उद्योगपति काम कर रहे हैं उनको भी मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में बहुत अवसर हैं और आने वाले दिनों में कई बदलाव आप मध्य प्रदेश में देखेंगे। आज सीएम विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे और रायपुर से विशेष विमान से साय कैबिनेट अयोध्या रवाना होगी। अयोध्या में सीएम साय और उनकी कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी, और इस बात की जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने खुद दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने कुछ समय पहले भी एक पोस्ट किया था, उसके जरिए उन्होंने बताया था कि आखिर आने वाले दिनों में वो जाएंगे अयोध्या कैबिनेट के साथ, और आज का वो दिन है जब वो अपनी कैबिनेट के साथ विशेष विमान से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। बहुत ही खास पल होगा जब पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी। तो आज सीएम साय कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। विशेष विमान से साय कैबिनेट अयोध्या जाएगी और यहां पर रामलला के दर्शन करेगी। बहुत ही खास पल होगा जब सीएम साय रामलला के दर्शन करेंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, आज सीएम साय पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, कितने बजे रवाना होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट में सब जाएंगे? Thank you.
जी बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद से ही चर्चा थी कि सीएम साया जो है अपने कैबिनेट के साथ जल्द ही अयोध्या जाएंगे और सीएम साया ने कहा था कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो अयोध्या दर्शन के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद आज सीएम साया अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जो है वो रवाना होंगे। करीब कार्यक्रम के मुताबिक 9:30 बजे सीएम साय जो है एयरपोर्ट से पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है यहां से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके बाद रामलला के दर्शन का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और उसके बाद शाम को 5 बजे अयोध्या से वो वापस रायपुर के लिए जो है रवाना होंगे और करीब 6:45 को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान अयोध्या के लिए सीएम साय ने माता शबरी की धरती कहे जाने वाली शिवरी नारायण से शबरी के झूठे बेर भी जो है वो सीएम साय जो अयोध्या लेकर जा रहे हैं, वहां भगवान रामलला को वो इसे अर्पित करेंगे। इसके साथ ही और भी तमाम सामग्री जो है भेंट के लिए सीएम साय जो है वो लेकर जा रहे हैं और एक खासा उत्साह पूरे मंत्रिमंडल में है, क्योंकि लंबे समय से चर्चा थी कि जल्द ही सीएम साय अपने कैबिनेट के साथ जो है अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, जिसके बाद आज ये कार्यक्रम जो है वो बनाया है और आज एक ही दिन में रामलला के दर्शन करके पूरा कैबिनेट जो है शाम को वापस राजधानी रायपुर जो है वो लौट जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत ही खास, रामलला के दर्शन आज साय कैबिनेट करने वाली है। अमरवाड़ा उपचुनाव की मतगणना आज थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 10 जुलाई को यहां पर मतदान हुआ था। बीजेपी के उम्मीदवार है कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह उम्मीदवार, दोनों के ही बीच जबरदस्त मुकाबला। देखना होगा कि आखिर कौन जीतता है, क्योंकि 8:30 बजे के करीब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि यहां मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी कांग्रेस और जीजीपी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी प्रत्याशी यहां पर उतारे गए हैं चुनावी मैदान में और वोटों के बाद अब गिनती की बारी है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर अमरवाड़ा का रण किसने पता किया है। 10 जुलाई को ही मतदान हुआ था। राजेश करवेले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 8 बजे 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, वहां पर किस तरह की हलचल? देखिए, काउंटिंग के लिए यहाँ तमाम तरीके की व्यवस्था की जा चुकी है। हम अभी इस वक्त काउंटिंग का जो स्थल है वहीं मौजूद है। मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं आप, ये जो बनाया गया है उद्घोषणा कक्ष है, यहाँ से हर राउंड की घोषणा आधिकारिक तौर पे कलेक्टर करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी। इसके अलावा जो मेरे साइड में जो बनाया गया है यहाँ से काउंटिंग होगी। यहाँ पर अभी तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसके बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। जी, 19 राउंड है जो हमारी जानकारी है, तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी ठीक है, 1:30 से 2 बजे तक ये पता चल जाएगा कि आखिर अमरवाड़ा का रण किसने पता किया है। लेकिन अगर थोड़ा अमरवाड़ा को भी समझे तो यहां ना केवल दो पार्टी बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला है। जीजीपी के कैंडिडेट देवरावन को भी मैदान में उतारा गया। ऐसे में भले ही धीरन शाह बीजेपी से भले ही धीरन शाह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कमलेश की अगर बात करें तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या इस चीज को जनता समझ पाएगी? क्या लगता है, यहां इतनी सतर्क और एक्टिव जनता है? देखिए, ये अमरवाड़ा जो पूरा इलाका है, जो पूरी विधानसभा है, वो आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खासी पैट रखती है, बड़ी तादाद में वोट भी ले जाती है। इस बार भी ये उम्मीद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को है कि उसे अच्छे खासे वोट मिलेंगे और इसका प्रभाव कांग्रेस पर और बीजेपी पर दोनों पर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के अपने मानने। बीजेपी से जो उम्मीदवार है कमलेश शाह, वो कांग्रेस छोड़ के गए, वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वोट शिफ्ट होगा। उनसे हमने 2 से 3 बार बात की तो उनका कहना विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे, शिफ्ट की कोई बात नहीं है, क्योंकि विकास बीजेपी कर सकती है और ये एक बड़ा इशू है। उधर कांग्रेस का कहना है कि उनका परंपरागत वोट बैंक है आदिवासी, और वो वोट बैंक उनसे कहीं खिसकेगा नहीं, यही वजह है कि वो जीत दर्ज करा लेंगे। इस तरीके के दावे अपने अपने तीनों के हैं और मुकाबला त्रिकोणीय है। जी बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंदौर का दौरा है और 14 जुलाई को इंदौर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश के 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का लोकार्पण करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का शुभारंभ करेंगे, छात्र पढ़ेंगे महाभारत रामायण और भागवत गीता और वेद पुराण। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाएगी इंदौर में, क्योंकि उनका दौरा है।
14 जुलाई को वो आएंगे और 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे, जहां महाभारत रामायण से लेकर भागवत गीता और वेद पुराण छात्र पढ़ पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत महत्व दिया जा रहा है और उसी के अंतर्गत जो महाविद्यालय प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में आए हैं उन महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारी भारत की गौरवशाली परंपरा रही है उस परंपरा से आज की युवा पीढ़ी अवगत हो। तो अब जो हमारे बच्चे जो IIT है IIM किए हुए हैं, जो अंग्रेज़ी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, अब उनको भी इस परंपरा से अगर हमको अवगत कराना तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारा साहित्य उनको अंग्रेज़ी में भी मिले। एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा हमको उस तरह से उनको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा ताकि उनको ये सब चीज़ें इस तरह से मिले कि वो पढ़े। तो भाषा कोई रुकावट नहीं है, हमें इनका ट्रांसलेशन जो है आजकल अच्छे ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे महाविद्यालय को जो सौगात दी गई है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की, उसके माध्यम से अभी हमारे महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की भी स्थापना हुई है। इस महाविद्यालय के द्वारा इसकी जो स्थापना की है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की, यहाँ पे ऐसी किताबें रखी गई हैं जिससे यहाँ के जो युवा हैं विद्यार्थी वर्ग है उनको परंपरा के बारे में बताया जाए, धर्म के बारे में बताया जाए और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाए। और ऐसा जो पूरा जो सौगात हमारी महाविद्यालय को मिली है ये बहुत स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम पर इस अभियान में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर आ रहे हैं और उसी दिन इंदौर 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा। फिलहाल इस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर में मौजूद हूँ। गृह मंत्री आने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आने के पहले तैयारियाँ जोरों शोरों पर है। ये तैयारियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बकायदा डोम बनाया जा रहा है, वाटर प्रूफ डोम बनाया जा रहा है क्योंकि इंदौर में लगातार बरसात हो रही है। इन तस्वीर को आप देख सकते हैं, जिस तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह नज़र आएंगे और बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। 14 तारीख को ही गृह मंत्री को आना है। और दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी कॉलेज परिसर का हिस्सा है। यहाँ पर इस वक्त गड्ढे किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पेड़ लगाया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह भी यहीं पर पेड़ लगाएंगे और लगभग यहाँ पर 1000 पेड़ लगाए जाएंगे और ये 1000 पेड़ यहाँ के छात्रों द्वारा लगाया जाएगा। और ये वो छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर के छात्र रहेंगे, यानी फर्स्ट ईयर में जब वो एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर एक पेड़ उनके नाम पर रहेगा और 3 साल यानी जब तक उनका ग्रेजुएशन नहीं हो जाएगा 3 सालों तक पेड़ की का जो पूरा पेड़ को पानी देना, पेड़ का केयर करना, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी और इसके बकायदा कुछ अंग भी मिलेंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे तो पेड़ लगाने के अलावा मध्य प्रदेश को उस दिन कई सारी सौगात देने वाले हैं। PM एक्सीलेंस जो कॉलेज है उसका भी शुभारंभ होगा, करीब 55 कॉलेज हैं। और लेकिन सबसे खास बात है कि प्रदेश का पहला भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। यहाँ पर जो छात्र हैं भगवद गीता, महाभारत, रामायण, वेद पुराण की पढ़ाई करेंगे, यानी साहित्य से युवाओं को जोड़ा जाएगा और साहित्य से ही रामचरितमानस से अध्यात्म और विज्ञान की पढ़ाई करेंगे ये युवा। श्रीमद् भागवत गीता में विज्ञान की पढ़ाई करेंगे ये युवा। तो आज के यूथ को साहित्य से, भारतीय ज्ञान से जोड़ने के लिए एक केंद्र बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र। तो ये बड़ी सौगात गृह मंत्री मध्य प्रदेश को देने वाले और मध्य प्रदेश के युवाओं को ये बड़ी सौगात मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बाबू के साथ मिथिलेश गुप्ता, News18 इंदौर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अलर्ट है, एयरपोर्ट को उन्होंने नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से ड्रोन और
हॉट बैलून्स को भी प्रतिबंध किया गया है और 3 किलोमीटर की परिधि में प्रतिबंध रहेगा। कमर्शियल फ्लाइट्स को प्रतिबंध से छूट दी गई है। 13 जुलाई और 14 जुलाई को एयरपोर्ट पर लागू होगा। भोपाल से खबर, जहां राज्य के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। डिंडौरी, छिंदवाड़ा, दमोह में तेज बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में तेज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बारिश हो रही है और राज्य के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर में तेज बारिश का अलर्ट है और डिंडौरी, छिंदवाड़ा, दमोह में भी तेज बारिश का अलर्ट है। भोपाल की बात करें तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बारिश हो रही है। तो बीते दिन से ही लगातार मौसम विभाग का यह कहना है कि एमपी में जो इस बार अलर्ट जारी किया गया है उसको हल्के में ना ले, बल्कि बहुत ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत ज्यादा बारिश सामान्य से भी होगी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मौसम विभाग ने इस बार जो चेतावनी जाहिर की है उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जिस तरीके से कल भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला कि सुबह से भले ही हल्की धूप निकली थी, लेकिन दोपहर के बाद से अचानक जो है वो मौसम परिवर्तित हुआ और कुछ ही घंटों में काफी तेज बारिश देखने को मिली। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो पुराने भोपाल में कई इलाके ऐसे थे जो जलमग्न हो गए, सड़कों पर पानी भरा नजर आया। हालांकि उसके पहले भी महापौर उन इलाकों का निरीक्षण करके आई थी और ये बात उन्होंने कही थी कि इस इलाके में अब पानी नहीं भरने दिया जाएगा, लेकिन कल जिस तरीके से देर शाम के बाद जो तेज बारिश का शुरू हुआ उससे कई इलाकों में बारिश जल भराव देखने को मिला। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 48 घंटे जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी, उसमें सबसे अधिक अगर इलाका है तो महाकौशल और बिंद का इलाका है। इसके अलावा कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का भी है, ग्वालियर का भी कुछ हिस्से है। इसके अलावा चाहे वह उज्जैन की बात हो, जबलपुर की बात हो या फिर भोपाल की बात हो, तमाम वो इलाके हैं जहां पर जो है वो तेज बारिश देखने को मिली। खासकर 8 जिले जो है वो चिन्हित किए गए, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। यानी अब तक जो बारिश हो रही थी उससे बहुत ही कम इलाके ऐसे थे जहां जल भराव की स्थितियां या फिर गांव के डूबने के आसपास की स्थितियां देखने को मिली हो, लेकिन अब जो है ये बताया जा रहा है कि इस बार जो है आने वाले 48 घंटे में काफी तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिससे नदी नाले उफान पर आ जाएंगे। जो निचली बस्तियां हैं उनमें भी जल भराव की स्थिति हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी तक लगातार अलग अलग जो सिस्टम डेवलप हो रहे थे उसके चलते हल्की फुल्की बारिश जो है सभी इलाकों में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो तेज बारिश का दौर मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से ही बारिश हो रही है और इसलिए भी चेतावनी जाहिर की गई है। धमतरी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर ने सिहावा रोड पर 2.5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। खनिज अधिकारी से जमकर बहस भी हुई है। रेत की अवैध परिवहन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और मौके पर ही कार्रवाई की मांग की जा रही है। एसडीएम, डीएसपी, आरटीओ और खनिज अधिकारी से बहस हुई है। कार्रवाई होने के बाद खत्म किया चक्का जाम। पूरी जवाबदारी आपकी है। वहीं कोरबा में कबाड़ के अवैध कारोबार पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कबाड़ का अवैध कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 3 कबाड़ियों से 7 टन कबाड़ जब्त किया गया है और करीब 17 लाख का कबाड़ जब्त किया गया है। सिटी कोतवाली और कटघोरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मनेंद्रगढ़ में भालू की दहशत है और 2 किसानों पर भालुओं ने हमला कर दिया। खेत से लौट रहे थे किसान, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है और दोनों पर ही किस तरीके से भालू ने हमला किया। ऐसे में दहशत में लोग रह रहे हैं मनेंद्रगढ़ में। 2 किसानों पर भालुओं ने हमला कर दिया और खेती करके वो वापस लौट रहे थे, अस्पताल में दोनों को ही भर्ती किया गया है। सूरत
सूरजपुर में अवैध रेत खनन के दौरान नदी में ट्रक फंस गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी ट्रक को बाहर नहीं निकाला जा सका। फंसे हुए ट्रक को निकालने की कोशिश चल रही है। बारिश में नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के राजापुर नदी का मामला बताया जा रहा है और यहां पर अवैध रेत खनन के दौरान नदी में ट्रक फंस गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी ट्रक को बाहर नहीं निकाला जा सका। वरुण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जैसे को तैसा ये कहावत तो सुना ही होगा, अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा था और नतीजा ये कि ट्रक फंस गया। बिल्कुल, एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद जिस तरह से बारिश का मौसम है, लगातार नदी नाले उफान पर हैं और जल स्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है, बावजूद इसके जो अवैध रेत उत्खनन का कार्य वो जारी है और ये ट्रक भी इसी दौरान जब वहां पहुंचा रेत उत्खनन के लिए, जल स्तर बढ़ गया और नतीजा ये रहा कि बीच नदी में ट्रक फंस चुकी है और उसको निकालने का मशक्कत भी किया गया। फिलहाल अब तक ट्रक नहीं निकल पाई है। हालांकि लोगों ने प्रशासन की इसकी सूचना दी है, प्रशासन मौके स्थल पर पहुंच के ट्रक को बाहर निकालती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए।